नमस्कार साथियों, मेरा नाम है गंगाराम और आप देख रहे हैं ज्योतिष और समाधान। हमारे यूट्यूब चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम चर्चा करेंगे व्यक्ति के जन्म लग्न के अनुसार उसे किस देवता की उपासना करनी चाहिए। सभी व्यक्तियों की आस्था किसी न किसी देवता से कहीं न कहीं से जुड़ी हुई होती है। व्यक्ति अपने जीवन का कीमती आधा या एक घंटा रोजाना साधना, उपासना और प्रार्थना में लगाता है। यह विषय बहुत ज़्यादा संवेदनशील तब हो जाता है जब व्यक्ति जिस मंत्र का जाप करता है, जिस देवता की उपासना करता है, उसको बार बार परिवर्तन करना, उसको बदलना सबके वश में नहीं होता, जो कि व्यक्ति का मन जहाँ एक बार लग जाता है वहाँ से हटाते हुए उसे बहुत दिक्कत होती है। आज की वीडियो में जन्म कुंडली के पांचवें घर के अनुसार आपको किस देवता की उपासना करने से जीवन में सभी प्रकार की सफलताएं, धन धान्य की सफलता, कैरियर में सफलता, परिवार और स्वास्थ्य में अच्छे रिजल्ट मिलेंगे, यही बात करेंगे। लेकिन इससे पहले मैं बात को आगे बढ़ाऊं, मैं आपको बता दूं, यदि आप ज्योतिष के द्वारा अपनी समस्त प्रकार की समस्याओं का समाधान चाहते हैं या आप अच्छी श्रेणी के राशि रत्न खरीदना चाहते हैं तो आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। मेरा फ़ोन नंबर, मेरा व्हाट्सएप नंबर आप स्क्रीन पर देख रहे हैं। चलिए साथियों, विषय में आगे बढ़ते हैं। जन्म कुंडली में पाँचवा घर यंत्र, तंत्र, मंत्र, विद्या, बुद्धि, पूर्व जन्म के कर्म और आपकी साधना के क्षेत्र को रिप्रेजेंट करता है। साथियों, मेष लगन वाले जातकों को भगवान शिव शंकर महादेव रुद्र की उपासना करनी चाहिए, क्योंकि आपके पांचवें घर में पड़ी हुई है सिंह राशि। सिंह राशि के स्वामी हैं सूर्य। सूर्य के अधिष्ठात्री देवता है भगवान महाकाल। तो आप भगवान शंकर के नियमित मंदिर जाएं, सोमवार का व्रत करें, भगवान शंकर के तीर्थों में जाएं, उनका ही मंत्र जाप करें। ऑल टू ऑल भगवान शिव की उपासना करने से आप जीवन में समस्त प्रकार के सुख भोग पाएंगे। साथियों, वृषभ लग्न से पांचवें घर में कन्या राशि होती है जिसके स्वामी बुध हैं। बुध के अधिष्ठात्री देवता है गणेश जी महाराज। तो वृषभ लग्न एवं राशि वाले जातकों को गणेश जी महाराज की उपासना करके जीवन में सब कुछ प्राप्त हो सकता है। मिथुन लग्न वाले जातकों को देवी की उपासना करनी चाहिए। कर्क लग्न वाले जातकों को भैरव जी महाराज की उपासना करके जीवन में बहुत आगे तक जा सकते हैं। सिंह लग्न वाले जातकों को भगवान नारायण की उपासना करनी चाहिए। कन्या लगन वाले जातकों को भैरव जी की उपासना करनी चाहिए। तुला वृश्चिक धन मकर कुंभ आपको, तुला वालों को भी भैरव जी की उपासना करनी चाहिए। वृश्चिक लगन वाले जातकों को भगवान नारायण की उपासना करनी चाहिए। धनु लगन वाले जातकों को भगवान रुद्र शिव शंकर महाकाल की उपासना करनी चाहिए। मकर कुंभ मीन मेष वृषभ मकर लगन वाले जातकों के पांचवें घर में पड़ती है वृषभ राशि, तो आप भी देवी के शांत स्वरूप की उपासना करके जीवन में करोड़ों अरबों रुपए कमा सकते हैं, सभी प्रकार की सफलताएं अर्जित कर सकते हैं। कुंभ लगन से पांचवें घर में पड़ती है मिथुन राशि, तो आपको भी देवी की उपासना ही करनी चाहिए। देवी के साथ साथ गणेश जी की उपासना करके भी आप जीवन में बहुत आगे तक जा सकते हैं। और मीन लगन एवं राशि वाले जातकों को अपनी कुल देवी की उपासना करनी चाहिए। साथियों, आज की वीडियो में मैंने जन्म कुंडली के अनुसार आपके इष्ट देवता कौन हैं यह विषय में चर्चा की। अगली वीडियो में जन्म कुंडली के पांचवें भाव से आठवें भाव में, यानी कि आपकी कुंडली के बारहवें घर में बैठे हुए ग्रह की स्थिति से यह देखना सिखाऊंगा कि किस देवता का दोष, भूत या प्रेत का दोष क्यों और कब आपके जीवन में होगा। कामना करता हूं जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को करें सब्सक्राइब। मिलते रहेंगे ऐसी ही जानकारियों के साथ भविष्य में भी। तब तक के लिए नमस्कार।